दबा बस 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 माते फट जाएगा फट जाएगा फट। ये देखो इधर देखो, ये देखो माँ बना हुआ है यहाँ पे। और इस पे कलर नहीं मिल रहा। चलो तो हम अपने क्या है नानी टू बी। यार इधर देखो छोटू बेबी बना है। देख बेबी है बेचारा। हाँ देख क्लास तक कंटिन्यू रहना क्योंकि हम जो अभी शॉपिंग करने जा रहे हैं और जो तैयारी करने वाले हैं उस वो पूरा जो प्रोसेस है आपको इसी ब्लॉग पे दिखेगा। तो लास्ट तक बने रहिए एंड स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक में हम क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ शॉपिंग बस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वेट करिए और देखते रहिए। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट। काफ़ी अच्छा मार्केट है यार, और सबको पता है कि ये कौन सा मार्केट है। तो आज की शॉपिंग शुरू हो गई है आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशन पे। तो आप देख सकते हैं भाई रायपुर में हमारे कितने सारे डेकोरेशन का सामान मिलता है, बहुत सारा भर भर के सामान। क्या पसंद आया? खैर ये लिया है हमने गर्ल और बॉय, ये लिया है बच्चों का। इसमें कलर नहीं मिल रहा, चलो तो हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं और आप व्लॉग को कंटिन्यू कीजिए और हम आपको दिखाते हैं बहुत सारा सामान यहाँ पे है, देखते हैं। चलिए ये आ गया बहुत सारा सामान डिस्पोजेबल। अरे माते ज्यादा पीस नहीं रहता है उस पे, नहीं ये पीस 3 दिन के हिसाब से बहुत है। इसको क्यों ला? ये खीर हलवा को खीर खाएंगे किस पे खाएंगे बताओ? कटोरी क्यों ला दो? ये मैं अपने सामान रखने के लिए लाई हूं, जब यहां पर रहेगा ना सब निकलेगा। पूरा 25 बस पीस है इस पे। इसको क्यों लाए? ये नाश्ता जब करवाएंगे तो किस पे करवाएंगे? और लोग खीर हलवा खाएंगे तो किस पे खाएंगे? क्यों? सही बात बताओ। सही बात है, ऐसे नहीं रखते हैं, ऐसे ऐसे ये अच्छा वाला है ना। और क्या लाए हैं? और बाप रे इतना सारा कौन लाया? ये इतना सारा कौन दिला दिया आपको? दिलाए कौन है फिर आपको? जरूरत देते हैं रखने के बाद। कौन छोटा छोटा बच्चों के लिए नहीं है? किसके? वो वाला है। कौन? हमारे घर में दो बच्चे हैं ना। दिल्ली में के लिए ना हमारे को मिलता है। बैठ जाओ ना, बैठ के बताओ ना। मेरा फोन फेंक दिया। एक पिंक कलर का कैसा अच्छा है। पिंक क्यों? अरे बाप रे इतना थैला है। ये ना इतना डेकोरेशन का ला लिए कि मतलब साल भर तक नहीं बोल सकते। बेबी शावर का हो जाएगा, बेबी वेलकम का हो जाएगा, सारी चीज़ों का हो जाएगा। ये पैर बच्चे के स्पॉइंट्स कल वाला। अरे वाह, ये वाला वेलकम बेबी का भी ला लिया अभी से, ताकि बाद में कोई कौन जा पाएगा कौन नहीं जा पाएगा, तो ये गोल्डन वाला ला लिया है। फिर ये बेबी शावर वाला ला लिया ऐसे चिकन। अरे वाह दिखाओ तो। क्योंकि ना ये वो फुलाने वाला नहीं लाए हैं, ज़्यादा जगह घेर देता है तो हम लोग। तो ये कार्डबोर्ड टाइप ये वाला अच्छा लगेगा। कैसे समझा रही है? तो पता नहीं माते को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। डबल सेटेड फेस का काम आएगा। ये वाला ला लिए। ये क्या दिखाना? ये बॉय का सेट है ना? हाँ ये पूरा सेट है। देखिए इसमें बेबी बॉय लिखा हुआ है, दो स्टार और एक बड़ा सा पुतला, इतना बड़ा पुतला रहेगा इसके। ये वाला ये ब्लू कलर का हो गया, ये पिंक कलर का हो गया ऐसे। एक साइड इधर एक साइड इधर ऐसे करके। इसमें तो बहुत बड़ा सा था, ये देखो बहुत बड़ा सा दिख रहा है। ये ब्लू वाला वो पर्दा वाला है कर्टन, ये कलर बहुत अच्छा है ब्लू, एकदम लाइट ब्लू है पता है। ये बड़ा अच्छा लग रहा था सामने से। और ये पिंक वाला एक
साइड ब्लू करेंगे, एक साइड पिंक करेंगे इसलिए, ठीक है। और ये पंप ला लिए ताकि हमको बलून फुलाने में आसानी हो, क्योंकि फुला सकते हैं। एक पैकेट निकाल के बस एक को पुट, नहीं वो तो उसी पैकेट में डाल देंगे ना, खुला के दिखाओ ना। अब ये ब्लू वाला भी हो गया, एक पैकेट पिंक, एक पैकेट ब्लू, सब फुलाओ ना। सिल्वर ला लिए एक पैकेट, एक पैकेट वाइट, एक पैकेट गोल्डन, ये दो पैकेट भी पिंक हम लोग एक ही पैकेट ले लिए हैं, एक पैकेट और ले लें। जब देख लेंगे आसपास तो मिल जाता है, उसकी दिक्कत नहीं अगर कम पड़ा तो। इतना आ गया हमारा पूरा सामान। तुम आते कैसा लगा आपको? सजेगा तब अच्छा लगेगा। मैं मस्त, पता है एक नंबर एकदम मस्त वाला सोची हूँ कि कैसे करना है डेकोरेशन, पहले समझ नहीं आ रहा था। आज मैं 2 घंटा बैठ के पूरा ना मैं डेकोरेशन का वीडियो देखी हूँ, सच बता रही हूँ। कहाँ पे? यूट्यूब। यूट्यूब पे देखी हूँ कि कैसे डेकोरेशन कर सकते हैं, घर पर बेस्ट डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। तो मेरे को बहुत ईजी लगा, मैं बोली ज़्यादा ताम झाम वाला करूँगी, जरूरत नहीं इतनी ये सब चीज़ें। ये सब भी तो ताम झाम है, कोई बताओ इसको, ये सब भी तो ताम झाम है ना। इतना मेहनत है तो ताम नहीं लगाने में। मेहनत 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 दिखाओ, मेहनत दिखाओ, वो खोलो उसको दिखाओ। नहीं लगेगा, दिखाओ दिखाओ, खोलो तो। अरे हमारे गाइस लोग को भी तो देखने दो। अरे ये पंप है, ये पंप सबके पास होता है। सबके पास होता है तो कमेंट कीजिए भाई किस चीज़ के पास ये पंप है। ये मैडम बोल रही है कि सबके पास होता है। दिखाना तो गाइस ये है पंप। हम वैसे तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से सर्च कर रहे थे इसको मंगाने के लिए, लेकिन हमको ऑन द स्पॉट मिल गया था। ये देखो ये यहाँ से खुलता है, लेना तुम आते पीछे लगाना उसको। ये वाला है, ये मैनुअल है, ये मैनुअल है, वो ऑटोमेटिक है। ये रिएक्शन देख रहा, रिएक्शन क्या था यार, शेड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसका। दबाओ ना उसको, दबाओ, बस बस बस, माते फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, निकाल लो जल्दी। बाल उड़ गए थे पूरे इसमें, वीडियो में भी आ गया। बस अब डेकोरेशन करना बाकी है, तो वो डेकोरेशन जो होगा वो तो दूसरे दिन होगा, हम लोग पहले ला लिए हैं, लेकिन डेकोरेशन का वीडियो जो हम लोग बाद में दिखाएंगे, देखते रहना लास्ट तक। तो ये था हमारा प्रिपरेशन का वीडियो, ये तो बता दो कि ये था हमारा प्रिपरेशन शॉपिंग वीडियो था। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ। तो अभी के लिए, अभी के लिए नहीं, अब दूसरा दिन दिखाएंगे, ठीक। तो देखते रहना। सो गाइस आप देख सकते हैं इतनी सारी मेहंदी जो है मैं लाई हुई हूँ। ये सिर्फ मेहंदी जो है मैं अपने लिए लाई हूँ और मम्मी के लिए लाई हुई हूँ। तो ये क्यों लाई हूँ मैं आपको ये बता दूँ, तो मैं बता देती हूँ आपको। तो ये सारी जो मेहंदी है वो इसलिए है क्योंकि मैं आज लगाने वाली हूँ अपने हाथों में मेहंदी। मेरे हाथ जो है बहुत टाइम से मेहंदी मैं लगाई नहीं हूँ। जैसा कि देखा जाए तो लास्ट मेहंदी जो है लगी हुई थी मुझे, आई थिंक करवा चौथ पे लगी थी, आई थिंक या दिवाली पे, जो भी हो लास्ट टाइम, मतलब लास्ट ईयर लगी हुई थी। तो इस साल जो है पूरे मतलब आधा टाइम निकल गया, पूरा साल निकल गया और मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ, और मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। तो इसलिए अपने बेबी शावर की मेहंदी मैं खुद लगाऊंगी। तो एक हाथ में ही लगा सकती हूँ तो एक हाथ में ही लगाऊंगी, बाकी मैंने मेहंदी वाली बुलाई हुई है दीदी, तो वो आएंगी कल, जो कि मेरे दूसरे हाथ पे लगेगी इस हाथ पे। लेकिन इस हाथ पे मेहंदी जो है मैं खुद लगाऊंगी, और मैं कैसी मेहंदी लगाती हूँ आप ज़रूर देखना। वैसे फर्स्ट टाइम जो है मैं लगाने जा रही हूँ बेबी शावर की मेहंदी, तो आप देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी मेहंदी लगाई हूँ, ठीक है? तो आप देखते रहो। सो हेलो गाइस, अब मैं आ गई हूँ रेडी अपने हाथों में मेहंदी बनाने के लिए। अब मैं यहाँ डाइनिंग टेबल में बैठ गई हूँ, सोच रही थी मैं कहाँ बैठूँ और कहाँ बैठ के अच्छे से बनाऊँ। और फिलहाल मैंने कुछ कुछ डिज़ाइन निकाली हुई है जो कि मैं फ़ोन में देख के बना रही हूँ बेबी शावर की मेहंदी, जो कि मुझे तो ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ मेहंदी बनाने में कि मुझे ऐसी आ जाए। फ़िलहाल मैं पहली बार बना रही हूँ जैसा कि आपको पता है, तो मैं मोबाइल में देखी हूँ कुछ कुछ निकाली हुई हूँ फ़ोटोज़, और यही फ़ोटोज़ देख के मैं अपनी मेहंदी बना रही हूँ, क्योंकि कोई था नहीं, अकेले थी मैं घर पे, और अपने हाथों पे मेहंदी जो है मुझे खुद को बनानी पड़ती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हाथ की मेहंदी कैसी लग रही है, बताना ज़रूर। अच्छी लग रही है ना अभी, लेकिन ये अधूरी है मेरी, और अभी पूरी करनी बाकी है। और मैं थक जा रही हूँ, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा मैं कैसे कैसे करके बनाऊँ, क्योंकि एक पोजीशन में ज़्यादा देर ना मैं बैठ भी नहीं सकती, तो कभी हाथ को इधर कभी उधर ऐसे कर करके मैं बना रही हूँ। बस वेट कर रही हूँ और इनके आने का, जब तक ये आते हैं तब तक मेरी मेहंदी जो है थोड़ी बहुत तो कम्प्लीट हो जाए। काफ़ी टाइम लगता है मुझे मेहंदी बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्लो बनाती हूँ,
बस इतना है कि हाँ कभी इच्छा होती है, शौक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मन कितना है मेहंदी लगाने का। मैं धीरे 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 अपने हाथों पे मेहंदी लगा आ रही हूँ, बस होने वाला है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मेहंदी अभी जो कि अधूरी है, पूरी बाद में होगी, दिखाती हूँ। तो इसमें लिखा है कमिंग सून मॉम एंड डैड, अब बाकी बाद में दिखाती हूँ। हाय थक गई मैं बना बना के, वो तो बंद कर दो, वो बंद तो कर दो पहले। ये मेरे से नहीं लिखा गया है, ये मैं सो के निकाल दी, बेबी सो रहा है इसमें। तो आप इतना बेबी भी बनाई हो इसपे, इतना इतना बनाने में मैंने जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बीच में ब्रेक ले लेके बने क्योंकि खाना भी खाना था। और ये शावर जो है बेबी शावर का, बेबी इस हाथ में लिखाएगा, शावर इस हाथ में लिखाएगा। पेन से ट्राई कर रही थी पहली बार लेकिन उल्टा हो रहा है, तो उल्टा पड़ रहा है मुझे, तो गलत ना लिखा जाए इसलिए मैं ये मिटा रही हूँ। कल आएगी मेहंदी वाली इस हाथ में लगाने के लिए, तो फिर उनसे लिखवाऊँगी क्योंकि ये मेरे से नहीं बन रहा। ये सब तो मैं लिख ली क्योंकि ये छोटे छोटे थे लेकिन ये मुझे नहीं बन रहा तो ये मैं मिटा देती हूँ। तो आप बताना कमेंट में, क्योंकि मैं पूरा नहीं दिखाई थी बनाते हुए क्योंकि मैं ब्रेक ले लेके बनाई थी, तो आप ज़रूर बताना कि मैंने पहली बार बेबी शावर की जो मेहंदी है वो कैसी बनाई, कमेंट करके पक्का बताना क्योंकि भारी मेहनत लगता है, मैं बहुत दूर से बैठी हुई हूँ। क्या स्टार्टिंग हुई है, कैसे स्टार्टिंग है? गाइस देखो मैंने मम्मी के हाथ में भी मेहंदी बनाई है, मम्मी मना कर रही थी कि नहीं 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 करके, तो मैं फिर भी बनाई हूँ क्योंकि मम्मी के हाथ में तो लगना जरूरी है भाई, नानी बनने वाली है, हाथ तो दिखाओ, मेहंदी तो दिखाओ, इधर दिखाओ क्या लिखा है नानी टू बी। यार इधर देखो छोटू बेबी बना है, बेबी है बेचारा। हाँ छोटू बेबी चांद में बैठा हुआ है, चांद में सुला दी हूँ उसको। तो कैसा लग रहा है माते मेहंदी, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बता? नहीं माते ऐसे में पता है क्या सोचते हैं लोग कि नहीं बोल पाती, लगता है उसकी मम्मी कुंडी होगी, ऐसा बोल देंगे। इधर देख के बोलो, इतना दिन से बोल रही, इतना सारा बोल रही हो नहीं है, इतना सारा तो बता ना। तो अच्छा तो है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सब में बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहती रहती है, वहाँ से नहीं ऐसे ऐसे नहीं नहीं ऐसे ही जाता है। पहले पता है मम्मी ने मना कर रही थी, नहीं मेरे में मत बनाना ये वाला बेबी वाला मत बना करके, मैं फिर भी बनाई हूँ पता है, नहीं मेरे में अच्छा नहीं लगा। मैं बोली माँ नानी बनने वाली, नानी टू भी लिखने तो दे, बनाने तो दे, ऐसे करके तभी दोनों साइड बनाई हूँ। एक घंटे में दोनों बन गया है, बन गया ना अच्छे से, अच्छा लगा ना। मैं अपना जबकि देखो मेरा इधर कलर भी नहीं आया पता है, बेकार सी मेहंदी थी ये, कितना अच्छा बना देखो यहाँ मस्त लिखा और इधर कलर नहीं आया है, मेरी पूरी मेहनत पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन अभी मैं फिर से इसको फिर से इसको बनाऊंगी पता है दोबारा, ताकि थोड़ा बहुत आया भी बनेंगी, मैं क्या कर सकती। अब मैं जाती हूँ गाइस, बहुत सारा काम हो गया, खाना पीना बनाना है तो मैं जाती हूँ, खाते हैं टाइम काफी हो गया है। आपको कुछ शब्द कहने हैं? प्लीज गाइस इनको वायरल कर दो, यही वाला सीन कट करके वायरल कर दो प्लीज। ऐसे के टाइम में बहुत बोलती, बहुत पंखा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि हम लोग ने वीडियो ले रहे हैं अपने बच्चे से। क्या? अरे आप क्या? आप बोलो। क्या बोलूं मैं? कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? कैसी लग रही है आपकी मेहंदी? हाँ आप बताओ ना। आप मुझे तो अच्छी लग रही है देखो, मस्त बन गया। हाँ, अच्छी तो बन गया, मस्त। अच्छा जोड़ दिया उधर उधर का। हाँ ये देखो इधर देखो, ये देखो माँ बना हुआ है यहाँ पे और डेट भी लिखा हुआ है, बेबी शावर कैसे करके डेट भी लिखा हुआ है। इधर भी पूरा बन गया है, मेरी एक हाथ की मेहंदी तो इधर बन चुकी है। तो कैसा लग रहा आपको मेहंदी लगवाते हुए, जल्दी बताओ। मैं बैठे हैं देखो, ये वाली देखो पहले, इधर वाली थोड़ी सी वो हो गई है, मतलब उछल उछल गई है लेकिन हो गई है। पेट तो मोटा लग रहा है, बाद दिखाएंगे। हाँ वो बनने के बाद दिखाएंगे, बनने के बाद। चलो तो मेहंदी लगवाओ, ठीक है।
हम जब तक खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? सोच रही हूँ। क्या क्या सोच रही हूँ? क्या करूँ? बजा क्यों रहे हैं इसको? क्या करूँ? सब्जी के आटा गूंदूँ फिर सब्जी की तैयारी करूँ? नहीं ये नहीं चलेगा, मन ही नहीं हो रहा है। रहने दो। इसीलिए तो मैं बोली थी कि मैं पहले बना देती हूँ, अब सोची नहीं था कि आज मैं खाना नहीं बनाई। 8 बज गए शाम के, 8 बज गए और खाना नहीं बना है अभी तक। सो जो आज मैं सब्जी नहीं बनाई तो आज खाना ही नहीं बना है, क्योंकि आज मैं बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। रोटी में अंडे में रोटी नहीं खाऊंगी। अंडा बन गया है, बंद कर दे इसको। सो गाइस मेहंदी वेहंदी का तो सब चीज़ हो गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी बाकी है, जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। तो फिर कंटिन्यू रहिएगा, और ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी मेहंदी कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद आने वाला है हम जो बेबी शावर की पूरी तैयारी करने वाले हैं। फिलहाल जो हमने आधी तैयारी कर ली है, घर का जो सेटअप है वो कुछ कुछ थोड़ा चेंज कर लिया। मेरी मेहंदी कुछ इस प्रकार है अभी, तो निकल गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और लेकिन फिलहाल मैं भी थोड़ा लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि इतना मेहनत करी हूँ मैं तो वो तो देखना बनता है ना। सो गाइस अभी जो है हम लोग सेटअप कुछ घर का इस तरीके से चेंज कर चुके हैं। बेड जो इधर था हम यहाँ ला लिए हैं, सोफ़ा भी वहाँ है उसको भी खिसकाना बाकी है, चेयर अभी रख दिए हैं, क्योंकि बेबी शावर के हिसाब से हमें जो है ये हॉल काफ़ी खुला और ओपन एरिया चाहिए था। डाइनिंग टेबल हम कुछ इधर कर दिए, और हमारा मंदिर भी हम शिफ्ट कर दिए हैं। इधर आ गया है मंदिर, उधर चले गया है फ्रिज। अब हो गया है हमारे घर पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस।